हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट एयरलाइन कुर्ती, और इसे मैंने पेयरअप किया एक हैवी दुपट्टे के साथ और एक हैवी पैंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए। तो इसे बनाने के लिए आपको लगेगा 1.5 मीटर का फैब्रिक। सबसे पहले आप इसे हाफ में फोल्ड कर लीजिए और जो लंबाई है वो मेजर कर लीजिए। आपको जितना लंबा कुर्ता बनाना है उसी हिसाब से आपको फैब्रिक लेना होगा। उसके बाद हम ऊपर से अपना शोल्डर मेजर कर लेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 6 इंच, तो हमने फोल्डर साइज से 6 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर वहाँ से नीचे की तरफ हम अपना आर्महोल मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा आर्महोल भी 6 इंच है। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ आपका आर्महोल एंड होता है वहीं हम अपना चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है आपको 1 इंच की लूजिंग रखना होगा और 1 इंच का मार्जिन। मेरे केस में आता है 10 इंच, तो मैंने फोल्डर साइड से 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर आर्महोल्स का पॉइंट और चेस्ट पर्स का पॉइंट इस तरीके से बाहर की ओर लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर ऊपर से हम मेजर करेंगे 14 इंच पे अपना वेस्ट राउंड। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आपको 4 से डिवाइड करना होगा, 1 इंच लूजिंग रखना होगा और 1 इंच मार्जिन। मेरे केस में आता है 9 इंच। फिर चेस्ट पर्स का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट इस तरीके से लेते हुए ज्वाइन कर लेंगे। वेस्ट राउंड से हम इस तरीके से नीचे तक पूरा स्लांट वे में मार्किंग ले लेंगे। अब हम यहाँ बैक आर्महोल बनाएंगे, जिसके लिए 1 इंच का पॉइंट हमने बाहर की तरफ मार्क किया है। हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। एंड फ्रंट आर्महोल के लिए अंदर की तरफ 0.75 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। एंड अगेन बाहर की तरफ हम 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्महोल कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब जो ऊपर का फोल्डेड पार्ट है उसे भी आपको कट कर लेना होगा। अब हमें 2 फैब्रिक मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। आपको फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे हाफ में अगेन फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेना होगा। और फ्रंट पार्ट में हमने सिंपल सा नेक डिज़ाइन किया है, जिस कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैंने अपने नेक्स्ट चैनल पे अपलोड करूँगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ नेक कट करते हुए बकरम पे ऑलरेडी अटैच कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। टॉप को सीधा रखेंगे और बकरम वाला हिस्सा ऊपर की तरफ रखते हुए किनारे पे ऑल अराउंड सिलाई दे देंगे। तो हमने यहाँ स्टिच कर लिया है, जस्ट किनारे से, बकरम के जस्ट किनारे से स्टिच करना होगा। और अब हम इस पर कट दे देंगे 1/2 इंच की दूरी पे। अब हम जो 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर इस तरीके से हल्का हल्का कट्स दे देंगे। ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे की तरफ कोई भी झोल नहीं आएगा। अगर आप नहीं कट करेंगे तो आगे की तरफ झोल आने के चांसेस है। तो आपको इस तरीके से हल्का हल्का कट देने के बाद ऑल ओवर आपको फ्लिप कर लेना होगा। फ्लिप करने के बाद अब आप ऊपर से एक और सिलाई दे दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ मैंने ऊपर से सिलाई दे दिया है। अब हमें जहाँ वी शेप बनाया था वहाँ पे एक हल्का सा पट्टी लगाना है छोटी सी। तो जिसके लिए हमने फैब्रिक कट किया है 1 इंच की चौड़ाई, उसे 2 बार फोल्ड करते हुए सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मैंने छोटा सा पट्टी प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे नेक पर लगा लेंगे, इस तरीके से प्लेस करेंगे और दोनों किनारे पर सिलाई दे देंगे। और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे हम बैक साइड से कट कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने नेक बना लिया है अपने फ्रंट पार्ट पे। अब हमें बैक पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और बैक पार्ट की जो नेक की लंबाई है वो हम अपने 4 इंच की रखेंगे और चौड़ाई 3 इंच की। एक बॉक्स बना लेंगे, फिर आपको जो भी शेप देना चाहते हैं, या मैं राउंड शेप दूंगी तो हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे एंड इन मार्किंग को कट कर लेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें 1 इंच की पट्टी कट करना होगा सेम इसी तरीके की गोलाई में, और इसे कुर्ते को सीधा रखना होगा, पट्टी को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करना होगा। सबसे पहले आपको इस तरीके से रखते हुए 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई देना होगा, उसके बाद 2 बार फोल्ड करते हुए दोबारा आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पट्टी बना लिया है नेक की, एंड बैक पार्ट की भी नेक की पट्टी बना लिया है। और अब हम बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे। दोनों शोल्डर को मिलाएंगे, शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे।
तो यहाँ हमने शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब हमें स्लीव प्रिपेयर करना है। तो स्लीव प्रिपेयर करने के लिए फैब्रिक को दो बार फोल्ड कर लेंगे एंड अब हम जितना आर्म होल से आपका उसमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। फोल्डेड पार्ट को ऊपर रखना होगा और 2 से 3 एक्स्ट्रा लेते हुए आपको पॉइंट मार्क करना होगा। यहाँ मैंने 6 इंच का आर्म होल था, मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। वहाँ से आपको बाहर की तरफ 3.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा। हल्का सा कर्व शेप देते हुए आपको बैक आर्म होल बना लेना होगा। और जो लंबाई है स्लीव की, यहाँ मेरी 10 इंच है, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो मार्जिन के लिए लगेगा। और सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे एंड 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम अपना फ्रंट आर्म होल बना लेंगे। सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है, अब हम इसे ओपन कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने दोनों स्लीव कट कर लिया है। दोनों स्लीव की जो किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ के सिलाई दे देना होगा। और हमने दोनों स्लीव प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे अपने टॉप पे अटैच कर लेंगे। टॉप को इस तरीके से सीधा रखेंगे और स्लीव को उसके ऊपर उल्टा प्लेस करेंगे और ऑल ओवर इस पर सिलाई दे देंगे। तो यहाँ मैंने दोनों स्लीव प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड की भी स्टिचिंग दे देना होगा और नीचे की जो किनारी है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। तो यहाँ मैंने मोड़ लिया है, नीचे के किनारियों को साइड भी सी लिया है और इस तरीके से मेरी सुंदर सी कुर्ती रेडी है गाइस। इससे इसके साथ मैंने इस तरीके का हैवी दुपट्टा पैरअप किया है जो आप इजीली घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरीके का दुपट्टा नेट का आपको मार्केट में मिलता है। जस्ट किनारे पे आपको इसी फैब्रिक का बॉर्डर लगा लेना होगा और साइड में जोड़ पे जब आप बॉर्डर लगाएंगे तो जो जोड़ आएगा नेट और बॉर्डर का उसके ऊपर आपको पतली सी कोई भी लेस लगा लेना होगा। और इसी तरीके से मैंने दुपट्टे को प्रिपेयर कर लिया है। इसके साथ मैंने हैवी पैंट बनाया है। आपको जस्ट हैवी फैब्रिक लेते हुए पैंट बना लीजिए। आप इसे कोई भी ओकेशन में कैरी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।